वेलकम बैक टू माय चैनल आमना क्रिएटिव स्टाइल। तो आज मैं निकल चुकी हूँ अपनी बेबी के लिए ड्रेस बनवाने के लिए। मेरी जो है डॉटर 2 साल की है, तो मेरे ब्रदर की है शादी और हम लोग निकल चुके हैं घर से और मैं पहुँच चुकी हूँ सीलमपुर अपने डॉटर को लेके, क्योंकि मेरी डॉटर की ड्रेस बनवानी है तो उसको लेकर आना तो लाजमी ही बनता था। और अब यहाँ मार्केट पहुँचते ही देख सकते हैं आप कितनी अच्छी मार्केट लगी हुई है सीलमपुर की। यहाँ पे एक से एक ज्वेलरी, सैंडल्स, आपको सारी चीज़ें सीलमपुर मार्केट में अवेलेबल मिल जाएगी। और जो घर के एसेसरीज होते हैं, कप वगैरह, वो भी यहाँ पे अवेलेबल आपको आसानी से मिल जाएंगे। तो मैं आ गई हूँ एक शॉप के अंदर और यहाँ पे अच्छे अच्छे फैब्रिक नज़र आ रहे हैं। मुझे बनवाना है लहंगा, जिसके लिए मैंने फैब्रिक सर्च करना शुरू कर दिया है और मुझे काफी सर्च करने के बाद ये फैब्रिक फाइनली मिला है। देखते हैं। बहुत हैवी है, जैसे ये था ना हल्का काम, ये अच्छा था। ये मैंने कल एक मुझे जो लहंगा बनवाना था उसके अंदर मुझे नीचे की तरफ बॉर्डर चाहिए था और बहुत ज्यादा लाइट वेट में चाहिए था। साटन भी अच्छा, साटन नेट पर तो साटन और चमकता, साटन थोड़ी है, तो सिल्क है, सिल्क है मेरे ख्याल से। साटन दिखाइए, मैं इसको लगा के देखूंगी लाइनिंग के साथ। दिखा ठीक लग रही है, अच्छे तो वो भी लग रही है डार्क है, लेकिन वो ये पिंक में जा रही है, सही लग रही है ना, अच्छा लग रहा है, ले लो, अच्छा लग रहा है ये, अच्छा डार्क नहीं बनाना ना, हाँ इसको बेबी पिंक बनाना, ये अच्छा लग रहा है, बच्चे के हिसाब से चाहिए ना, बच्चे इसको बनेगा, तेज वाला नहीं बनाना, ठीक लग रहा है। कैसे रुपए मीटर रही है? काटा ये 525 रुपए मीटर, 1,00,000 रुपए। अच्छा, जो मैंने लहंगे के लिए नेट का जो फैब्रिक लिया है उस पे फुल सीक्वेंस वर्क है, वो फैब्रिक मुझे पड़ा है 450 रुपए मीटर। मैंने 3 मीटर लहंगे का फैब्रिक ले लिया है और फिर वहाँ पे साटन का जो फैब्रिक था वो जो था वो पीच कलर का था, पर मुझे इसमें पिंक बनवाना था। तो यहाँ पे मैं दूसरी शॉप पे आ गई हूँ और इनकी शॉप से मैंने ले लिया है 3 मीटर प्योर साटन का फैब्रिक, मैंने यहाँ से परचेज कर लिया है और ये मुझे पड़ा है 60 रुपीज़ मीटर। अच्छा, यहाँ पे मेरी जो ड्रेस है उसका फाइनल लुक आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा प्यारा आया है। और ये शूट हमने किया है हुमायूं टॉम्ब में। अच्छा, इसके साथ मैंने इसी फैब्रिक का दुपट्टा बनवाया है और जो बॉर्डर थी उस बॉर्डर का मैंने अपनी बेबी के लिए चोली बनवाई थी, ठीक है। और इसका जो दुपट्टा है उसके ऊपर 2 मीटर की लेस लगी हुई है और वो लेस जो मुझे पड़ा था, ये मुझे पड़ा था 10 रुपीज़ पर मीटर, ठीक है। और इसके साथ मैंने जो चोली है उसका डिज़ाइन काफ़ी प्यारा बनवाया था, आप देख सकते हैं इसकी जो बैक है इस तरीके का बो बनवा के मैंने यहाँ पर एक हुक लगवा लिया था, काफ़ी ज़्यादा प्यारी इसकी चोली बनी थी। और जो दुपट्टा है वो थोड़ा लाइट वेट जो ऊपर लहंगे के ऊपर आ रहा है उसका था, ठीक है। काफ़ी अच्छा ये ड्रेस लग रहा था, जब इसने शादी में वियर किया था तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में मुझे बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी और ये लहंगे का डिज़ाइन और आइडिया आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।